कौवा भी काले रंग का है और कोयल भी काले रंग की है। काक वाणी पर कोई ध्यान नहीं देता, कोयल की वाणी को सब सुनते हैं। काक और कोयल की वाणी बड़ा अंतर है। काक हो ही पिक, कौवा जो है, कौवा वृत्ति जो है वो कोयल की वृत्ति हो जाएगी, वाणी में माधुर्य आ जाए। क्या रूपांतरण होगा आपकी जो कर्कश वाणी है सत्संग को सुनने से, जो परुष वाणी है, जो कठोर है, वो मीठी हो जाएगी। और वाणी विचार का प्रतीक है, जैसे विचार होते हैं वैसी ही वाणी होती है। What you speak depends on your thoughts. And my dear, a man is nothing but only a bundle of thoughts. The way you improvise on your own self, it will reflect on your character. How do you speak? How do you behave? Sthir pragyasya ka bhasha samadhisthasya keshava sthit dhihi kim prabhasheta kimasit vrajet ke. Sthir pragya kaise chalta hai, kaise uthta hai, kaise bolta hai, Arjun ne pucha hai. It will reflect on your character. Goswami ji कहते हैं काक हो ही पिक बकऊ मराला। बक बोलते हैं बगुले को, मराल बोलते हैं हंस को। दोनों सफेद हैं लेकिन वृत्ति में बड़ा अंतर है। भगवान राम पंपा में गए, पंपा सरोवर, और पंपा सरोवर में गए तो वहां पर बगुले ध्यान लगाकर बैठे थे। इसलिए हमारे यहां एक ध्यान की शैली बड़ी विख्यात है, बक ध्यान। कोई आंखें बंद करके बैठा हो तो उस पर ज्यादा भरोसा मत करना। बगुला भी बड़ी अच्छी तरह आंखें बंद करता है। डोंट गो ऑन द एक्सटर्नल बिहेवियर। अंदर से क्या है, पाखंडी भी बड़ा ध्यान लगाते हैं, दंभी पाखंडी बड़ा ध्यान लगाते हैं। एक मौनी बाबा थे, मौनी 50 साल से मौन थे, 50 years। दशमेश पिता गुरु गलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कथा सुना रहा हूं। वो पाखंडी मौनी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से मिलने गया, दशमेश पिता से, गलगीधर पातशाह से। बड़ा प्रभाव डाला उसने गुरु सिखों पर, बड़ा प्रभाव डाला। गुरु सिंह भी कहें 50 साल से मौन है बाबा। गुरु साहब मुस्कुराए क्योंकि पूर्ण संत कोई नूरानी ज्योत, कोई परमेश्वर का अवतार है, किसी को सही मार्ग दे सकता, दंभ से मुक्ति दिला सकता। गुरु साहब ने कहा बाबा जी आए हैं बड़ी दूर से, 50 साल से मौन हैं, इनकी खूब सेवा होनी चाहिए। एक काम करो, इनको ले जाओ एक बढ़िया से प्रासाद के अंदर, महल के अंदर ले जाओ, मखमली बिछाने बिछाकर रजत थाल में, चांदी के थाल में शटरस युक्त भोजन इन्हें परोसना, और जब ये भोजन करें तो इनको पंखा झुलाना। मौनी बाबा अंदर तो बड़ा खुश हो रहा, वाह, सिख जगत के दशमेश पिता सरबन सदानी कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो इतना सम्मान दे रहे हैं मुझे। लेकिन गुरु साहब तो परीक्षा कर रहे थे, जिन सिखों को ये सब आदेश दिए थे, जैसे ही मौनी बाबा को दो लेकर चले गए, उनको बुलाया, बोले इधर काली कोठरी में ले जाना। टप्पड़ बोलते हैं पंजाबी में, बोरे का बिछौना वो डाल देना, और नारियल के खोपे में बासी खाना दे देना। 50 साल से मौनी है, एक शब्द नहीं बोला।
गुरु सिखों को तो गुरु का हुक्म मानना है, शिष्य वही होता है शासितम तो इति शिष्य, जिस पर गुरु का शासन हो वो होता है शिष्य। आजकल के चेलों से तो भगवान बचा है। एक गुरु कुटिया में लेटे हुए थे, बड़ी जोर से वर्षा होने लगी, फूस की झोपड़ी थी, शिष्य नीचे लेटा हुआ था। गुरु ने कहा बेटा एक काम कर, बड़ी वर्षा हो रही है, देख अभी भी चल रही है कि नहीं चल रही। गुरु आदेश दे ही रहे थे इतने में किवाड़ को खोलकर एक बिल्ली अंदर आई। लेटा लेटा बोला गुरुदेव बिल्ली आई है ना, इसकी पीठ पे हाथ फेर के देखो, सूखी है तो नहीं हो रही, गीली है तो हो रही। बड़ा होशियार बिल्ली की पीठ पे हाथ फेर के देख लो, इतना पुरुषार्थ कौन करे बाहर जाए देखे। बोले बेटा अच्छा एक काम तो तूने कर दिया, एक काम कर दे, ये अर्धरात्रि हो गई है जरा दिया बुझा दे। बोले आंखें बंद करो अंधेरा ही अंधेरा है, दीप बुझाने की क्या जरूरत, आंखें बंद कर लो। गुरु बोले धन्य है बेटा, आजकल तो चेले ही गुरु होते हैं। बोले बिल्ली ने द्वार खोल दिया है, जरा दरवाजा ही बंद कर दे। बोला दो काम मैंने किए, तीसरा आप नहीं कर सकते। दो काम मैंने किए, वर्षा देख कर आया हूं, बिल्ली बिल्ली की युक्ति दी, दिया मैंने बुझाया, आंखें बंद करवाई है, तीसरा आप नहीं कर सकते। धन्य है आज के शिष्य, धन्य है, ये बैठे बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। लेकिन शिष्य वो होता है जिस पर गुरु का शासन हो। काक हो ही पिक की बात चल रही है, बकाऊ मराला इसकी बात चल रही है। गुरु साहब ने कहा अंधेरी कोठरी में बोरी के ऊपर टाट के ऊपर नारियल के खोपे में बासी खाना दे देना। शिष्य ले गए, गुरु आज्ञा ही केवलम, गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि है। अब तो जब ले गए मौनी बाबा बेचारा बौखला गया, 50 साल का मौन थर्राने लगा, डामाडोल होने लगा। 50 साल की साधना इतने से कष्ट से ही झुंझला जाती है बंधु। बड़ा क्रोध आया, मखमली बिछाने की जगह टाट बिछा हुआ है, नारियल के खोपे में बासी खाना किसकी जगह, चांदी के थाल में शटरस युक्त भोजन की जगह। पंखा झुलाना तो बहुत दूर की बात थी, वहां मच्छर ही मच्छर थे। बड़े गुस्से में आकर तमतमाकर बोला, एकदम 50 साल का मौन टूट गया। यही तुम गुरु की आज्ञा मानते हो? सारे गुरुसिख वहां खड़े होकर हंसने लगे। लोग दूसरों को धर्म की आड़ लेकर दिखाकर लूटते हैं, लेकिन कोई सच्चा सदगुरु ही ऐसे पाखंडियों से पर्दा उठाता। और वो न भी उठाए तो एक न एक दिन भगवान उठा देते हैं। आज प्रवीण भाई को मैं कथा सुना रहा था। एक जमाना था जब व्हाइट्स के और ब्लैक्स के चर्चेस अलग अलग हुआ करते थे। There were two different churches for the blacks and the whites. And the blacks were not allowed in the churches for the white. गोरी चमड़ी वाले अलग जाओ, काली वाले अलग जाओ। There was a Negro who shifted from one place to a place where there was no church for blacks. And when he shifted to that place, he went to the church. And the father, the priest, said, "Sorry, I cannot bring you in because this is a church for the whites." जो
काले होते हैं उनका मन भी काला होता है। तेरा मन काला है, भगवान का नाम ले, रिसाइट हिज नेम, क्लीन योरसेल्फ फ्रॉम विद इन एंड देन कम आफ्टर मंथ, आफ्टर अ मंथ माय सन, वेरी डिसअपॉइंटेड। द नीग्रो वेंट अवे बैक टू हिज होम, शब्दों की बड़ी मार झेल कर आया था, बैडली हैमर्ड, आकर ईसा मसीह का नाम जपने लगा, भगवान को याद करने लगा, खूब याद किया, खूब याद किया, खूब याद किया, खूब स्मरण किया। 3-4 महीने बीत गए, 3-4 महीने के बाद ही वॉज पासिंग फ्रॉम द लेन अलोंग द चर्च, और वो फादर इत्तेफाक से सामने से आ रहा था, दोनों का आमना सामना हुआ। फादर ने देखा उस निग्रो को, उस ब्लैक को, और कहा, माय सन, आई टोल्ड यू टू कम आफ्टर अ मंथ, 3 months हैव पास्ड बाय, यू हैव नॉट कम एज ऑफ नाउ। उस निग्रो ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले, आपने मुझे बड़ी अच्छी राह दिखाई, आपने मुझे कहा खूब नाम भज, और नाम भजते भजते ईसा मसीह प्रकट हुए मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में भगवान यीशु प्रकट हुए, और उन्होंने कहा वहां जाने की क्या जरूरत है, इसने मुझे भी वहां तक आज तक घुसने नहीं दिया, तुझे कैसे घुसने देगा, ये तो मुझे भी वहां घुसने नहीं देता। ऐसा पाखंड फैल गया, जहां देखो बक ध्यान हो रहा है, बगुले बने बैठे हैं सब। और इतना पाखंड फैल गया है, इतनी भगवृत्ति हो गई है, क्या हाल है। दूसरी कथा भी सुना देता, एक बार एक चर्च के बाहर बहुत सारे भक्त एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे थे, अंदर भी भरा पड़ा था, बाहर भी भरा पड़ा था, भगवान आओ आओ आओ, प्रकट हो जाओ, हमारे दुख मिटाओ। हम बोलते हैं ना हर हर महादेव, हर हर महादेव करने का अर्थ क्या है, हमारे दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, पीड़ाएं हर, व्यथाएं हर, इसलिए करते हैं हर हर महादेव। सब बोल रहे थे हरि आओ हरि आओ हरि आओ, हमारे दुखों को दूर करो, हमारे कष्ट निवृत्त करो। और भगवान ईसा ने सोचा, मेरे बच्चे मुझे इतना पुकार रहे, आना ही चाहिए। भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, उसी तरह जिस तरह क्रॉस पर टांगा गया था, उसी स्वरूप। एंड इन एवरी रिलीजन टू इमिटेट गॉड इज अ क्राइम, यू कैन नॉट इमिटेट क्राइस्ट। And when the people came out of the church, and the one standing outside, when they saw somebody in form of Christ, because we do not have the eye, we do not have an open mind, we pray, but we do not believe that God will come. Hai vishwas? Abhi yahan Bhagwan Ramchandra waise hi dhanush baan pakad kar aa jaye, bolenge kaun si Ram Leela se chhoot kar aaya? Sara din Ram Ram karte ho, Bhagwan aa jaye to kya kahoge? मान लोगे भगवान आए? नहीं मानोगे। लोगों ने कहा, सम फूल इज ट्राइंग टू इमिटेट क्राइस्ट, ही शुड बी पुट बिहाइंड बार्स, पादरी को बुलाओ, भगवान को सब क्रिमिनल समझ रहे हैं, एवरीबॉडी इज कंसिडरिंग गॉड एज क्रिमिनल। और पादरी आया, द फादर केम एंड एवरीबॉडी बाउड डाउन हिज हेड, पादरी के आगे सब सर झुका रहे हैं, Nobody is wanting to believe in Christ. पहले बुला रहे हैं, आ गया तो मानते नहीं। भगवान ईसा तो वैसे ही दया की मूर्ति है, करुणा और कृपा की मूर्ति है। Who can say these words? Father, forgive them, for they know not what they do. Somebody is being nailed. Can he speak these words? Only Lord Himself can speak it. Father, forgive them, for they know not what they do. ये क्या कर रहे हैं स्वयं नहीं जानते। ईसा मसीह तो
कभी कभी मुझे लगता है जैसी उनकी वृत्ति है साक्षात शंकर है, बड़ा भोला स्वभाव, दया की उदार मूर्ति। पादरी आया, पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, बांध पकड़ कर ले गए थे, पहले क्रॉस पर टांगा था, अब जेल पहुंचा दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उससे तो कम ही सजा है, चले। आधी रात हुई, जो पादरी था आधी रात को आया, छह बार लेट लेट कर दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान कहने लगे बेटा तूने मुझे पहचान लिया, मुझे पता था तू मुझे पहचान लेगा, कोई पहचाने या ना पहचाने तू जरूर पहचाने। पादरी ने कहा प्रभु देखो पहचान तो मैं सुबह भी गया था, लेकिन ये बताओ आप नीचे क्या करने आए हो? जब तक आप ऊपर रहोगे तब तक ही दुकान चलती, आप नीचे आके प्रत्यक्ष दर्शन दे दोगे फिर दुकान कैसे चलेगी? बड़ा कड़वा सत्य है बंधु, आज जिसे देखो वो भगवान के नाम पर दुकान चला रहा है। भगवान के नाम पर डॉलर इकट्ठे करता है, शर्माने चाहिए। अरे जो धर्म को बेचते हैं उनसे अच्छी तो मैं एक वैश्या को मानता हूं, उनसे अच्छी एक वैश्या। धर्म बेचने वाला तो वैश्या से भी नीच है, शर्मानी चाहिए। धर्म दुकान नहीं है, ये बकवृत्ति का त्याग होना चाहिए। एक पाखंडी था, ध्यान लगाकर बैठ जाता था, जैसे ही कोई आता था उसका चेला खड़ा हो जाता था, बड़े सिद्ध बाबा मौनी अपनी मांग करो, और एक लोहे का उसके पास पात्र होता, उसको आगे कर देता, जो मनोकामना करनी है अपनी मनवांछित कामना करके इसमें डॉलर चढ़ा दो, और बाबा जी ध्यानस्थ होकर बैठ जाते। ऐसा ध्यान लगाते बगला भी फेल। लेकिन सत्संग सुनोगे तो का को ही पे बकाऊ मरा। ध्यान लगाकर बैठ जाते, एक बड़ा सेठ आया, उसने 5 सोने की मोहरें चढ़ाई और लोहे के पात्र में जाकर वो गिरी, और बाबा को आंखें बंद करके बैठा था, चेला बड़ा होशियार था, उसने झट से 2 उठा ली, आंख खोले उससे पहले ही 2 उठा लिया, उसने 2 मोहरें उठा जेब में डाली। तब चेला चला गया, उसने घुटने पर हाथ मारा, हो गई नौटंकी पूरी। खड़ा हुआ बाबा, बोला बाकी मोहरे, बोला बाकी मोहरे मतलब? बोले 5 होनी चाहिए। शिष्य ने सोचा कहीं इसका सच में ध्यान तो नहीं लगने लग गया, अंतर्यामी हो गया, इसको कैसे पता चला 5 थी? बोले 2 मोहरे कहां गई? बोला मुझे नहीं पता, 3 ही चढ़ाई है उसने। बोले उसने भले ही 3 चढ़ाई हो लेकिन खटका तो 5 का हुआ था। जब उसने फेंकी तो 5 खड़की थी, आंखें भले ही बंद हो काम तो चल रहे थे। ऐसे बगलों का क्या करें? जरा प्रेम से गाइएगा, मज्जन प्रलपे खैया तत्काला, मज्जन प्रलपे खैया तत्काला, काक होई पिका बकाउ मराला, काक होई पिका बकाउ मराला, काक होई पिका बकाउ मराला, काक होई पिका बकाउ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई,
भगवान राम पंपा के किनारे गए और देखा बगुला ध्यान लगाकर बैठा है। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण देखो कैसी ध्यान मुद्रा है इसका। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जरा अंदर रह रही मछली से भी पूछ लीजिए कैसा ध्यान लगाया है इसे। असली ध्यान तो मछली बताएगी, क्योंकि इंतजार करता रहता है बगुला, एक पैर खड़ा करके बड़ा ध्यान लगाता, कहीं उसके शरीर में चंचलता नहीं होती। और जैसे ही नीचे मछली आती है एकदम उसको लपकता, उसे आहार बना लेता। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, अगर आपकी वृत्ति ऐसी भी है और यहां आकर बैठ गए तो याद रखना सत्संग आपके अंदर रूपांतरण कर देगा। इस तरह से आपके अंदर रूपांतरण करेगा, फिर आप कभी वो नहीं हो पाओगे जो पहले थे, बदल जाओ। एक होता है परिवर्तन, एक होता है रूपांतरण। सूर्य सागर के जल को खींचता, वाष्पीकरण करता, बादल बनाता, सागर से जल उठा, वाष्पीकरण हुआ, वो भी जल ही था, बादल बने वो भी जल ही था, बरसा तो फिर जल हो गया, जल जल में ही बदल गया, कोई परिवर्तन, वो परिवर्तन है, उसमें रूपांतरण नहीं हुआ। परिवर्तन और रूपांतरण में अंतर है बंधु, जल जल ही रहा, ये परिवर्तन है, बादल बना फिर जल बन गया। लेकिन रूपांतरण क्या होता है, दूध को आप दही बना दीजिए, जाग लगा दीजिए और दही बन जाए, फिर दूध बन पाएगा, कोई उपाय है, ये रूपांतरण है। उस दही को आप बिलोकर मक्खन बना दीजिए, फिर दही बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। उस मक्खन को तपाकर आग लगाकर, आग की तपश देकर तपाकर उसे घी बना दीजिए, फिर क्या मक्खन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ये रूपांतरण है और सत्संग साधक में ऐसा ही रूपांतरण करेगा। और जैसे जैसे साधना करते जाओगे दाम बढ़ते जाएंगे बंधु। दूध से महंगा बिकता है दही, दही से महंगा बिकता है मक्खन, और मक्खन से महंगा बिकता है घी। ये साधक की स्टेजेस, दूध से घी तक की यात्रा। और याद रखना घी का बाय प्रोडक्ट है दूध, लेकिन दूध से दिया नहीं जलता, दही से दिया नहीं जलता, दिया जलेगा तो केवल घर से ही जलेगा। परमात्मा का प्रकाश तो तभी होगा जब मन वृत्ति पूर्णतः एकाग्र हो जाएगी, घी जैसी विशुद्ध हो जाएगी, तभी परमात्मा का उज्जवल प्रकाश होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, वो प्रकाश करना चाहते हो जीवन में, रूपांतरित होकर घृत की अवस्था को प्राप्त होना चाहते हो, तो फिर एक ही काम करो, सत्संग करो। और आप बधाई के पात्र हो, क्योंकि आप 9 दिवस से निरंतर कर रहे हैं। प्रेम से गाइएगा, जन पर क्षीर और नीर को अलग कर देता है। अग्नि के स्पर्श के बिना क्षीर और नीर का विवेक
असंभव है, लेकिन हंस की ये वृत्ति है। इसलिए हमारे यहाँ सन्यासियों के आगे नाम लिखते हुए लिखते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमत परमहंस। जैसे दूध और जल रच पच जाए आपस में तो अग्नि के बिना उन्हें अलग करना असंभव है, जैसे दूध और जल रचने पचने पर हंस अपने विवेक से उन दोनों को अलग कर देता है, क्षीर का पान कर लेता है, दूध का सेवन कर लेता है और नीर जल को अलग छोड़ देता है, ऐसे ही जगत और ब्रह्म रचे पचे हैं, जगत ब्रह्म मिले जुले हैं, लेकिन अपनी विवेकमयी दृष्टि से जो जगत और ब्रह्म को अलग करके दिखा दे उसे हम बोलते हैं परमहंस। जगत और ब्रह्म को बिल्कुल अलग करके आपके सामने रख दे वही परमहंस होता है बंधु। और गोस्वामी जी कहते हैं का दो ही पिक बकऊ मराला, बगुला हंस बन जाए उसकी विवेक जागृत हो जाएगा। कल विवेक की ही चर्चा चल रही थी, बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रज जोरे। ध्यान देना, विवेक जागृत हो गया तो बात बन जाएगी, और ये विवेक मिलेगा केवल और केवल सत्संग से। और इस परिवर्तन को कोई सुनकर आश्चर्य करे कि कौवा कोयल कैसे बनी और बगुला हंस कैसे हुआ, तो गोस्वामी जी कहते हैं बहुत आश्चर्य मत करो, क्योंकि सुनिया चरज करे जन को, सुनिया चरज करे जन को, सतसंग आश्चर्य की कोई आवश्यकता नहीं। There's no point being surprised, क्योंकि सत्संग की महिमा ही ऐसी है। यहां जो आकर बैठेगा उसके अंदर निश्चित रूप से परिवर्तन नहीं रूपांतरण होगा। जिस स्थिति को प्राप्त हो जाएगा फिर वो नहीं हो पाएगा, फिर वहां से गिरेगा नहीं। और ध्यान देना, उदाहरण दिया, स्पष्ट किया इस बात को, कैसे किया, बाल्मीक नारद घट जानी, बाल्मीक नारद घट जानी, निज निज मुख नी कही सब होनी, निज निज मुख नी कही सब होनी, जल वाल्मीक नारद घट जाऊंगी, वाल्मीक रत्नाकर थे, चोर थे, डाकू थे, दस्यु दुष्ट थे। कैसा परिवर्तन हुआ, चोर से वाल्मीक हो गए, कैसा अद्भुत रूपांतरण हुआ। नारद शूद्र कुल में पैदा हुए थे, देवों के ऋषि बन गए सत्संग के प्रभाव से। संतों का सत्संग चातुर्मास में सुना था, रूपांतरण हुआ, देव ऋषि बने। घट जौनी अगस्त ऋषि कुंभज, कुंभ में पैदा हुए थे वासना के प्रभाव से। वैश्या को आकाश मार्ग से गमन करते हुए अगस्त के पिता का रेतस खलन हुआ और उस रेतस को कुंभ में डाला, उस वीर्य को कुंभ में डाल दिया घट में, और कुंभ के अंदर ऋषि पैदा हुए इसलिए कुंभज कहलाए। एक बार कुंभज ऋषि